दोस्तों, क्या आप राशि खन्ना की लाइफ स्टाइल के बारे में जानते हैं? उनको कुल संपत्ति के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारी इस वीडियो में। आज हम आपको उनकी कुल संपत्ति से रूबरू करवाने वाले हैं। राशि खन्ना एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और गायिका है, जो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करती है। उनका जन्म 30 नवम्बर 1990 को दिल्ली में माता पिता राज खन्ना और सरिता खन्ना के घर हुआ था। उनका रौनक खन्ना नाम का एक बड़ा भाई है जो ट्रैवल ब्लॉगर के रूप में काम करता है। उन्होंने सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल दिल्ली में अपनी शिक्षा पूरी की और लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली में बीए अंग्रेजी में स्नातक की पढ़ाई की। उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में अभिनय में बदल गई। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों जैसे श्रीनिवासन कल्याण, अंधगा मारू आदि में काम किया। ये महसूस करते हुए कि टी टाउन में उनकी अच्छी मांग है, हॉट शॉट अभिनेत्री राशि खन्ना ने हैदराबाद में एक घर खरीदा है और अपने परिवार के साथ रहने लगी हैं। इससे पहले उनके माता पिता नई दिल्ली में रहा करते थे और वह दो शहरों के बीच घूम रही थी। एक सूत्र का कहना है कि चूंकि वह अधिक तेलुगु फिल्में कर रही थी, इसलिए वह अपने माता पिता के साथ अधिक समय बिताने के लिए उन्हें हैदराबाद ले आई। राशि खन्ना की कार कलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके पास BMW 520G जो कि 69 लाख रुपए की है, ऑडी Q7 जो कि 70 लाख रुपए की है। उनके गैरेज में और भी कई महंगे और लग्जरियस कारें हैं। अगर हम उनकी नेटवर्थ के बारे में बात करें तो राशि खन्ना एक भारतीय अभिनेत्री है जिनकी कुल संपत्ति 7 मिलियन अमर एक ही डॉलर है। 0.5 मिलियन राशि खन्ना टीवी विज्ञापन और ब्रांड प्रमोशन में भी पैसा कमाती है। वह एक ब्रांड एडवर्टाइजमेंट के लिए 40 लाख रुपए चार्ज करती है। सुपरहिट फिल्मों की वजह से उनकी नेटवर्थ हर साल बढ़ती जा रही है। उनकी सालाना आय 6 करोड़ रुपए से अधिक है। दोस्तों, राशि खन्ना को अपने दमदार किरदार के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिनमें अप्सरा पुरस्कार, सिनेमा अवार्ड, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड और भी कई अन्य पुरस्कारों से उन्हें नामांकित किया गया है। वेल दोस्तों, आपको राशि खन्ना की लाइफ स्टाइल के बारे में जानकर कैसा लगा है? आपको उनकी मूवी कैसी लगती है? उनकी कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही ऐसी तमाम और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।